Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. Corona apni jagah data hua hai aur usse paida hui dushwariyan apni jagah. Kaam dhande chaupat hain. Rozgar khatam ho rahe hain. Naukri par chhatni ki talwar barabar latak rahi hai, lekin bijli, पानी, राशन, डीजल, पेट्रोल और अंत में बच्चों की फीस सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ी है। कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक संकट के साथ कमाने वाले भी खो चुके हैं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। इस बीच पब्लिक स्कूल से स्पष्ट कर दिया गया है कि वह सरकार के निर्देश के अनुपालन में फीस वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन फीस लेना उनके सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। सरकारी नौकरी, मेडिकल लाइन, राशन व रोजमर्रा के जीवन से जुड़े व्यापारी लॉकडाउन के दौरान भी बराबर कमाई कर रहे हैं, लेकिन वे फीस जमा नहीं कर रहे हैं। किसी की परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन यदि सभी फीस रोक कर चलेंगे तो उन्हें भी फिर सोचना पड़ेगा, यानी फीस जमा न करने पर नाम काटा जाएगा। सीधे सीधे ये शब्द नहीं कहे गए, लेकिन सारे घटनाक्रम का लबोलुआब यही है। यह बात कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल के 1300 स्कूलों पर भी लागू है। आइए पहले सुनते हैं पब्लिक स्कूलों के संस्था सहोदय के सचिव राहुल केसरवानी को। मैं राहुल केसरवानी, सेक्रेटरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स। हमारी एसोसिएशन यूपी के 23 डिस्ट्रिक्ट्स में वर्क करती है और 1300 CBSE और ICSE स्कूल्स हमारे साथ लिंक हैं। देखिए, सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था 20 तारीख को, जिसमें सरकार ने आदेश किया कि 2019-20 की फीस 21-22 में भी ली जाएगी। कोरोना क्राइसिस को देखते हुए ये ऑर्डर निकाला गया है। बहुत स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा समस्या में चल रहे हैं, उसके बावजूद हम लोगों ने सहर्ष इस ऑर्डर को स्वीकार किया है और सभी स्कूल्स ने ये माना है और एक्सेप्ट भी किया है कि इस समय क्राइसिस ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है पेरेंट्स के साथ भी, तो ऐसे में पूरा सहयोग करते हुए इस ऑर्डर को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा और 19-20 की साल 19-20 की जो फीस थी वही 21-22 में ली जाएगी। देखिए, हमारे पास स्कूल्स का हमने जब एक मीटिंग करी और बहुत बड़े लेवल की मीटिंग थी, इसमें 23 डिस्ट्रिक्ट के सभी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो स्कूल्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई कि हमारी पिछले साल की यानी 20-21 की भी 35% तक एवरेज फीस बकाया चल रही है, जो कि स्कूल्स के की फीस थी और स्कूल के पास अभी तक रिसीव नहीं हुई है। इसकी वजह से स्कूल्स बहुत भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए हैं। सरकार के आदेश के अनुसार 19-20 की फीस हम 21-22 में लेंगे, यानी दो साल का गैप, यानी खर्चा जो आमदनी जो होगी, जो रिसिप्ट होगी, वो 19-20 के अकॉर्डिंग होगी और खर्चा हम कर रहे होंगे 21-22 में। स्कूल एक गंभीर आर्थिक संकट में जूझ रहे हैं। ऐसे समय पर कुछ पेरेंट्स हम बिल्कुल मानते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा समस्या आई है इस कर्फ्यू के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। कोरोना की भी क्राइसिस उनके घर में हो गई होगी, ऐसे भी लोग हैं, कुछ फैमिलीज़ में डेथ भी हुई है, ऐसे भी लोग हैं। हम ऐसे सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, मगर एक बहुत बड़ी कैटेगरी ऐसी है जिनकी आमदनी रुकी नहीं है। सरकारी कर्मचारी हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, राशन की दुकान है, किराने की दुकान है, जनरल स्टोर के आइटम हैं, लगभग 60-70% मार्केट खुली हुई है रेगुलर बेसिस पे, बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो बंद है। ऐसे लोगों ने भी स्कूल की फीस को जमा करना बंद कर दिया है, उनकी नियमित आमदनी हो रही है उसके बावजूद भी वो स्कूल में फीस जमा नहीं कर रहे हैं। तो स्कूल के पास आमदनी का जो जरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के द्वारा दी गई फीस ही होता है। अगर स्कूल के पास फीस आएगी नहीं तो हम अपने खर्चे कहाँ से निकालेंगे। ऐसे समय में हमारी रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट्स फीस जमा कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों ने जिनकी तनख्वाह 1 तारीख को आ जाती है, उन्होंने भी अभी तक फीस जमा नहीं करी है। हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग रेगुलर इनकम ले रहे हैं वो प्लीज़ अपनी फीस स्कूल में रेगुलर जमा करवाएं, ताकि हम उन लोगों को भी सपोर्ट कर पाएं जिन लोगों में कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, किसी की आमदनी का लॉस हुआ है, किसी की फैमिली में डेथ हुई है या कोविड क्राइसिस रही है। हम सपोर्ट पूरी तरह से कर रहे हैं, हर स्कूल हर तरह से कोशिश कर रहा है, मगर एक बैलेंस ज़रूर बना के रखना पड़ेगा। अदरवाइज बैलेंस नहीं बनेगा तो जब स्कूल सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे तो वो हेल्प क्या कर पाएंगे। अभिभावक संघ से जुड़े जीतू नागपाल का यह कहना है।
मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक तरह से ये जो है जिस तरह से आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के काले कानून आते थे, ये इन्होंने ये नहीं देखा कि कोरोना काल के अंदर पूरे विश्व के अंदर क्या हालत हो रही है। बस इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो चाहे वो गरीब घर का हो, उन्होंने अपना एक फरमान जो है फरमान जारी कर दिया कि फ़ीस जमा होनी चाहिए। फ़ीस कहाँ से जमा होगी आप बताइए, जब हमारी 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 कमाई के धंधे बंद हो गए, हमारा सड़क पर निकलना बंद हो गया, बाहर पुलिस बैठी है, कोई बाहर निकल नहीं सकता, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें काम करना है, तो हमारे पे पैसा कहाँ से आएगा? जितना पैसा हमारा सेविंग पे है उससे हमारे घर का राशन और हमारे घर का खर्चे चल रहे हैं, उसके उपरांत ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं स्कूल वाले, तो इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और अगर स्कूल वाले इस तरह से अपनी मनमानी कर। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।